अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि मुस्लिम बच्चे को मारो, मुजफ्फरनगर में स्कूल की वीडियो पर हिंदू फसादी टीचर की गिरफ्तारी का मुतालबा। हमारे भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक स्कूल की हिंदू फसादी टीचर, जिसकी वीडियो मंजरे आम पर आई है, जिसमें वो क्लास के दूसरे तलबा को मुबैना तौर पर एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगाने को कह रही है। बड़े अफसोस की बात है। सुनिएगा, मुजफ्फरनगर के जिले मजिस्ट्रेट अरविंद मल्लप्पा ने कहा है कि वीडियो की तस्दीक की जा रही है और अगर ये वीडियो सच साबित हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि ये वीडियो फर्जी है। अभी तक भी इनको जो है ये वीडियो सच साबित नहीं हुई। बड़े हैरान कुन बात है। वायरल वीडियो में मुस्लिम तालिबे इल्म खड़ा नजर आ रहा है और क्लास के दीगर तलबा एक एक करके उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्मनाक बात है, बड़े ही शर्म से सर झुकाने की बात है कि इस तरह की जो है हालात हिंदुस्तान में आए दिन हो रहे हैं। इस वीडियो में हिंदू फसादी टीचर ये कहती नजर आ रही है कि ये मुस्लिम बच्चा है, उनकी माँ बाहर चले जाती है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई खराब हो जाती है। ये जो टीचर है इसको हिंदू फसादी इसलिए कहा जा रहा है कि ये टीचर कहने के लायक नहीं है। इस वीडियो के आने के बाद से सोशल मीडिया पर उसे सख्त तनखीद का निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू फसादी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। तो इस बीच सियासत भी होने लगी है, जबकि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, मासूम बच्चों के जहनों में तासुब का जहर बोना, स्कूल जैसे मुकद्दस मकाम को नफरत के बाजार में तब्दील करना, एक उस्ताद मुल्क के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया हुआ वही मिट्टी का तेल है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा दी है। बच्चे भारत का मुस्तकबिल हैं, उनको नफरत नहीं करते, उनको नफरत नहीं करते, हम सब मिलकर मोहब्बत सिखाई है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक हिंदू फसादी टीचर कुर्सी पर बैठी है जबकि बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में जमीन पर बैठे हैं। ये एक मर्द की आवाज आ रही है जो शायद वीडियो बना रहा है या उसके पीछे से वीडियो बनाई जा रही है। वो हिंदू फसादी टीचर के हा में हा मिलाता है। इस शख्स और हिंदू फसादी टीचर के दरमियान एक बच्चा खड़ा है और उसके छोटे खत का एक बच्चा उसके गाल पर थप्पड़ रसीद करता है, जिस पर हिंदू फसादी टीचर कहती हैं कि जोर से थप्पड़ मारो। उसके बाद दो लड़के उठते हैं और उस मुबैना मुस्लिम बच्चे के जानिब बढ़ते हैं और उसके गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं। जबकि उस दौरान ये जो हिंदू फसादी टीचर और कैमरे में नजर ना आने वाला शख्स की बात चलती रहती है। कुछ इस तरह बात करते हैं कि वो गुफ्तगू के दौरान वो शख्स कुछ पूछता है, जिस पर हिंदू फसादी टीचर कहती हैं कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मुस्लिम बच्चा है, उनकी माँ चली जाती है। उस पर वो शख्स कहता है, सही कह रही हैं, पढ़ाई खराब हो जाती है। फिर वो हंसता है। जबकि हिंदू फसादी टीचर दूसरी तरफ बैठे बच्चों से कहती है, ए क्या मार रहे हो, तो उसे जोर से मारो, चलो अब किसका नंबर है, चलो तू भी खड़ा हो जा। दूसरे बच्चों को ये उनके जहनों में किस तरह फसाद बरपा का जो है नशा उनके जहनों में कर रही आप देख सकते हैं। उसके बाद दो लड़के खड़े होते हैं और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हैं। एक बच्चा गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है, जिस पर वो हिंदू फसादी टीचर इत्मीनान इजहार करती है, जबकि दूसरा बच्चा पीठ पर थप्पड़ रसीद करता है। और उस दौरान जिस बच्चे को थप्पड़ लगाया जा रहा है वो जोरो खतार रो रहा है।
मुतासिरा मुसलमान तालिब इल्म के वालिद इरशाद ने बताया कि ये जो हिंदू फसादी टीचर मैडम ने बच्चों को आपस में लड़ा दिया, हमने आपस में समझौता कर लिया है, पता नहीं क्या हुआ है, उनको डराया धमकाया गया है, क्या पता नहीं, जो बच्चा मार खाया है उसके बाप ने जो है पूरी तरह से सरेंडर हो गया है, मैडम ने हमारी फीस वापस कर दी है और अब हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, ये जो है लड़के के बाप का कहना है। इस पूरे मामले में खतौली के सीओ डॉक्टर रवि शंकर कहते हैं कि वायरल वीडियो की जांच कराई गई है, एक बच्चे को खातून टीचर दूसरे बच्चों के हाथों स्कूल का काम ना करने पर पिटवा रही है। बहुत सारे अलग अलग जो है मुद्दे अभी बाहर निकल के आ रहे हैं, मगर वीडियो में साफ जाहिर है कि ये किस तरह इसके जहन में जो है किस तरह जहर है। फिर ये जैसे ही वीडियो बाहर आता है उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक वबाल सा मचा हुआ है, क्योंकि अगर यही मुस्लिम टीचर होती या दाढ़ी वाला या बुरखे वाली टीचर होती तो क्या होता, क्योंकि सोशल मीडिया जो मीडिया है हमारा नेशनल मीडिया वो भी जो है इस टीचर की बचाव में है। फिर आगे जो है इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर बहस की जा रही है। टॉप ट्रेंड में जो है हिंदू फसादी टीचर का नाम तृप्ति त्यागी बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। उसके साथ ही मुजफ्फरनगर स्कूल का नाम मुस्लिम बच्चा अरेस्ट तृप्ति त्यागी जैसे हैशटैग गर्दिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है इस पर ट्वीट किए हैं। फिर आगे बढ़कर बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और कांग्रेस रहनुमा उर्मिला ने एक पोस्टर शेयर किया है जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है, शेम ऑन यू तृप्ति त्यागी, तुम इंसानियत पर कलंक हो। उसके साथ साथ उर्मिला जी लिखती हैं कि उन्होंने लिखा है कि खातून बहुत बीमार है, ये जो टीचर हैं हिंदू फसादी जो टीचर हैं वो जो है बहुत बीमार हैं, जहनी तौर पर हली हुई हैं, ऐसे लोगों को तो बच्चों के इर्द गिर्द भी नहीं होना चाहिए और ये अभी टीचर बनी बैठी हैं, उनका ये कहना है। फिर आगे बढ़कर कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने इस पर हैरत और दुख का इजहार करते हुए ट्वीट किया है कि ये नाकाबिल यकीन है, मुझे यकीन नहीं आता कि ये हमारे मुल्क में हो रहा है। जी बेशक बड़े शर्म की बात है और उसमें शामिल लोग जेल में नहीं हैं, हम तमाम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। सही बोली। बहुत से ट्वीट ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, जबकि बहुत से लोगों ने उस मुतासिरा बच्चे की इमदाद की भी बात कही है। और इस तरह के हालात जिस तरह आए दिन हिंदुस्तान में हो रहे हैं और खुसूसन स्कूल के अंदर, जबकि स्कूल जो है एक बहुत मुकद्दस जगह होती है, बहुत पाक जगह होती है, वहाँ पर जो है बहुत कुछ सिखाया जाता है, मगर इस तरह एक उस्ताद नहीं, एक टीचर जो है उसके जहन में इतना जहर है कि वो बच्चों में भी जो है बच्चों के जहनों में भी जहर जो है जहर ओंडल रही है, उन बच्चों में भी जो है जहर पैदा कर रही है। तो उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट पेश करें। इस तरह के हालात को लेकर आपकी क्या राय है, खुसूसन मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अब ये जुल्म बच्चों तक भी गया है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ये वैसे है, ये तो गलती हुई है मेरे से, इस चीज के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, गलती तो हुई है। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई, तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गाँव का है, जहाँ पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित